हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आप लोगों के सामने जो ये वीडियो लाया हूँ वो लेके आया हूँ मोटराइज रोलर ब्लाइंड्स के बारे में। तो आज मैं हूँ एसएसजी फर्निशिंग में और आज मैं एसएसजी फर्निशिंग के जो डायरेक्टर हैं भूषण मिश्रा जी, मैं आज आपको उनसे मिलवाऊंगा और उनसे जानेंगे मोटराइज ब्लाइंड्स के बारे में बहुत डीपली चीजें कि वो किस तरह से किस किस ब्लाइंड्स में मोटराइज मोटर यूज होता है, किस तरह से वो ऑपरेट होती हैं, कितने साल की वारंटी होती है, क्या प्राइस में आती है और भी बहुत सारी जानकारियां हम जानेंगे भूषण मिश्रा जी से। और बने रहिए मोटराइज ब्लाइंड्स की जानकारी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। सबसे पहले तो भूषण मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे परफेक्ट फ्लोर चैनल में। आप आए, पहले भी आपके साथ वीडियो बनाई थी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी पहले भी शेयर की थी हमारे साथ। तो आज हम भूषण मिश्रा जी से जानेंगे, जो इनकी कंपनी एसएसजी फर्निशिंग है, वो मोटराइज ब्लाइंड्स बनाती है अलग अलग तरह की। तो मोटराइज ब्लाइंड्स में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मोटर्स हैं, काफ़ी अच्छी तरह की पैकिंग इस तरह की आती है और भी तरह के हैं। तो आज भूषण मिश्रा जी से जानते हैं कि ये मोटराइज ब्लाइंड्स के बारे में फुल डिटेल कि किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या। भाई साहब, मैं भूषण मिश्रा हूँ। मैं बेसिकली विंडो ब्लाइंड्स में मोटर के बारे में, जैसा कि आज आपने मुझसे पूछा, तो मैं मोटर के बारे में भी आपको एजुकेट करता हूँ जितना मेरा ज्ञान है। ये मेरा ब्रांड है एसएसजी, ये पैकिंग है मोटर की। ये मोटर कर्टन के लिए यूज होता है, ये मोटर है। ये इसकी कैपेसिटी 50 किलो से लेके 100 किलो तक के कर्टन को बेयर करने की है। ये मोटर 50 किलो कर्टन का वजन जो है जी, वो कैरी कर सकता है ये मोटर। 50 किलो से 100 किलो तक का मोटर ये कर्टन चला सकता है ये मोटर। तो सबसे पहले तो भूषण मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूंगा, एक आपने ये दिखाया और एक और तरह का ये दूसरा मोटर ये है। ये मोटर है ब्लाइंड्स के लिए। इसमें रोलर ब्लाइंड, जेब्रा ब्लाइंड, हनीकॉम, ट्रिपल सेट, जितने भी वुडन ब्लाइंड, जितने भी तरह की ब्लाइंड हैं जी, वो सबको ये मोटर कैरी करता है जी। ये एक ही मोटर है जो सारे ब्लाइंड्स को ऑपरेट करने के लिए सफिशियंट है और बहुत ही अच्छा मोटर है। कोई नॉइस नहीं है, किसी तरह का कोई हैसल नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो ये दूसरा मेरा मोटर है जिसको हम यूज करते हैं ब्लाइंड को बनाने के लिए सारे तरह जी जी जी। और बताइए भूषण मिश्रा जी कि ये जो मोटर है ये कितने साल चल जाता है? ये मोटर सर ऑफिशियल वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल तक इस मोटर की रिप्लेसमेंट गारंटी है कंपनी की जी। एसएसजी 5 साल तक के लिए इस मोटर की गारंटी देती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मोटर लगी हुई है वो मोटर ख़राब हो जाती है। मैं कमेंट तो करता हूँ कि 24 आवर मैक्सिमम भाई 48 आवर में मैं मोटर चेंज करवा दूंगा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जी। जहाँ पे भी मोटर लगी हुई कोई प्रॉब्लम है मोटर चेंज होगा, मेरा आदमी जाएगा मोटर दूसरा लगाएगा आपके सामने जी, और वो आपसे पुराना मोटर वापस लेके आएगा जी। तो 5 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी इस मोटर की भी है और इस मोटर की भी है। जितने भी ब्लाइंड हैं इन सारी ब्लाइंड्स में ये दो तरह के ही मोटर लगते हैं, ब्लाइंड और कर्टेन तरह के मोटर लगते हैं। ये जो नॉर्मल घर में कर्टेन लगते हैं उस टाइप के कर्टेन में कर्टेन को भी हम मोटराइज कर सकते हैं। ये मोटर लगा के इसके साथ एक ट्रैक लगेगा जिसमें आप अपना नॉर्मल कर्टेन लगा लीजिए जी। ये मोटर उस नॉर्मल कर्टेन के लिए ही है
और 5 साल की इसकी भी रिप्लेसमेंट गारंटी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ इसकी ऑपरेशन है और अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करता है ये जी। अब भूषण मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मली मोटर ब्लाइंड्स जो कराते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर्स ही कराते हैं जी। नॉर्मल ब्लाइंड्स तो नॉर्मल आपकी और भी काफी तरह की ब्लाइंड्स जी, जी, जी। तो नॉर्मल कस्टमर उस तरह की ब्लाइंड्स लगाते हैं मैनुअल जो चलती है, लेकिन जो ऑफिशियल जो अच्छे रैंक पे हैं या अच्छी ऑफिसेज बनते हैं वहां पे ही ये मोटराइज ब्लाइंड्स लगाई जाती है। तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी है, 5 साल की गारंटी है, तो प्राइस तो डेफिनेटली सर प्राइस को ऐसी बड़ी ज़्यादा इशू नहीं है जी, क्योंकि अभी जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है जी, तो मोटर की डिमांड मतलब मल्टीपल बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि एक जगह लगा, दूसरी जगह लगा, तीसरी जगह लगा, ऐसा एक से दो, दो से चार, चार आठ, आठ सोलह, इस तरह का रेफरेंसेज आ रहे हैं मेरे पास और इसी तरह की डिमांड भी आ रही है। तो बिल्कुल भी डिमांड बढ़ रही नॉर्मल ब्लाइंड और प्रीमियम कस्टमर के बारे में बात करें तो देखिए अभी ऑटोमेशन होने लगा है जी, जो ये मोटर जो घर बनने लगे हैं वो सारे एकदम हाईटेक घर बनने लगे हैं अभी जी, तो उन घर को घर के लिए मोटर जरूरी है। ऑटोमेशन कर दिया, ऑटोमेशन थोड़ा सा बताइए ऑटोमेशन को अगर कि ऑटोमेशन क्या सिस्टम है या ये किस तरह ऑटोमेशन का ऐसा है सर, जब हम घर बनाते हैं ना जी तो उसको प्योरली ऑटोमेशन, जैसे आपने देखा होगा कि लाइट भी अपने आप ऑटो मोड में चलती है, फैन भी चलता है, एसी भी चलता है, टेलीविजन भी चलता है, उसी तरह से ये ब्लाइंड भी ऑटो मोड में ऑपरेट होती है। ऑटो मोड में आप चाहे तो आप उसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं जी, आप चाहे तो अपनी मोबाइल से एलेक्सा या श्री वाईफाई का कनेक्शन देके वर्ल्ड के किसी कोने से इस मोटर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपके घर का आप बोलें कि कर्टन ओपन होना चाहिए, कर्टन बंद होना चाहिए, वो अपने आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अगर सेटिंग उस तरह से जाएं जैसे सनसेट हो रहा है तो ब्लाइंड अपने आप ऊपर जाती रहेगी जिससे लाइट पास होती रहे। आपने सेट कर दिया कि सनराइज हो रहा है तो ब्लाइंड को क्लोज होना है तो ब्लाइंड अपने आप क्लोज होती रहेगी, आपको उसमें कुछ इस तरह का भी इसमें सेटिंग हो जाती है कि अगर धूप आ रही है तो ये तो लाइट अपने आप अपने आप ब्लाइंड रूम को धीरे धीरे डार्क आप मतलब आप सो रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि लाइट डिस्टर्ब करेगी, वो आपको धीरे धीरे डार्क हो जाएगा। अच्छा, धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगी, जैसे सनसेट होगा तो धीरे धीरे वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से भी ये रहता है अपने हिसाब से, वो भी जैसे जैसे आप सेटिंग चाहें वैसा हो सकता है। तो इसको आप स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं, इसको आप टेलीविजन जैसे एसी आप रिमोट ऑपरेट करते हैं उस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, इसको आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं, इसको आप एलेक्सा अथवा श्री अपने मोबाइल से जोड़ सकते हैं जी। तो ये सारे ये जो मोटर्स हैं वो उस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स की तरफ से जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सी बार जो है वो चाहते हैं कि मैनुअली ऑपरेट किया जाए, तो क्या मोटराइज ब्लाइंड्स को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, मोटराइज को मैनुअल ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जी। मोटराइज में देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर है नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम कैसे ऑपरेट करें? ये जो जनरल पावर है आपका, जो इन्वर्टर का पावर है या जनरेटर का पावर है, उस पावर से ये मोटर आराम से ऑपरेट होता है। इसको ऐसा नहीं है कि हैवी? नहीं नहीं, कोई नहीं है। ये 220 वोल्ट की, मैं समझता हूँ कि जितना एक ट्यूबलाइट जितना पावर लेती है उतना ही ये पावर लेती है। अच्छा, उतना ही पावर लेती है। और एक मिनट दो मिनट के लिए ही तो चलना रहता है, ऊपर हो गया अथवा नीचे हो गया, क्लोज करना है तो क्लोज करना है तभी एक आध मिनट जी, एक मिनट का ही काम रहता है। इसमें कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है, नहीं होती, पर ये मैनुअल ऑपरेट नहीं कर सकते, मैनुअल ऑपरेट नहीं कर। तो इसके लिए ही मैं ये बात बोलता हूं कि मैक्सिमम बाय 48 आवर में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैं मेरा मोटर मेरा टेक्नीशियन चेंज करेगा जी। जहां आपके घर में मोटर लगा हुआ है जी, कोई प्रॉब्लम आई लाइक समझिए कोई वोल्टेज हाई वोल्टेज आ गया, मोटर प्लग जल गया, फूक गया, व्हाटएवर जी, बिना किसी इंक्वायरी के वो मोटर मैं चेंज करूंगा, वो मेरी कंपनी का प्रिंसिपल है जी। और सर एक चीज और कि जो ब्लाइंड्स की विड्थ होती है तो कितनी बड़ी विड्थ की ब्लाइंड्स में ये अच्छे से ऑपरेट करेगा सर? ये जो मोटर है ब्लाइंड वाला जी, ब्लाइंड कितनी भी बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी विड्थ में हो, कितनी भी ड्रॉप में हो, ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटर साइज वाइज चेंज हो जाता है, जैसे बड़ी ब्लाइंड के लिए मोटर दूसरा हो जाएगा, छोटी ब्लाइंड के लिए मोटर दूसरा हो जाएगा, और गारंटी और वारंटी भी उसके हिसाब से ही है। जैसे हल्की मोटर है तो उसकी वारंटी कम है। मेरी जो मोटर है वो जो जनरल मोटर है उसका मैं 5 साल की वारंटी देता हूँ, तो मैं समझता हूँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 फीट तक की ब्लाइंड में भी ये मोटर चलेगी, जो बेसिक मोटर है मेरी जी। बड़ी मोटर तो आप बोलेंगे जैसी बोलेंगे वैसी मंगवा दूंगा, मैं लाता ही हूँ, मेरे पास रहता भी है जी। लेकिन जो मेरा बेसिक मोटर है जी, वो 10 फीट की ब्लाइंड में आराम से चलेगा।
नॉर्मली जो हाइट होती है तो नॉर्मली किसी भी घर की जो शीशे पे लगता है 8 फुट तक, 8 फिट 10 फिट 15 फिट नॉर्मली विंडो तो मैक्सिमम 8 या 10 फिट मैक्सिमम जाती है उससे, उसमें ये सफिशियंटली अच्छे सर ये मोटर आप 20 फिट तक की ब्लाइंड होगी, 25 फिट तक की ब्लाइंड होगी हाइट में, उसके लिए भी यही मोटर मैं फिट करवा दूंगा, वो इजिली लिफ्ट करेगी, चाहे वो रोलर ब्लाइंड हो, चाहे वुडन हो, चाहे जेब्रा हो, चाहे रोमन हो, चाहे जितने भी तरह की ब्लाइंड है, सबके लिए ये मोटर बहुत ही परफेक्ट है। ये मोटर जो है जी, बट जो दूसरी कंपनीज है, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, जो दूसरी कंपनीज है ना जी, वो चीजों को घुमा के पैसा चार्ज करती है कस्टमर से। घुमाने का मतलब क्या है, वो बोलेंगे अरे 20 फीट की हाइट हो गई, इसका मोटर दूसरा लगेगा, उसका दाम वो बोलेंगे 5 टाइम ज्यादा है। 10 फीट की हाइट है तो ये वाला मोटर लगेगा, इसका दाम ज्यादा है, कम है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बड़े काम करने के हिसाब से जो मैं मोटर, स्टैंडर्ड मोटर भी मेरा है, वो 25 फीट 20 फीट तक की हाइट के लिए सफिशियंट है। वजन वो 50 फीट 50 केजी तक का वजन ये मोटर भी हमारा उठाएगी, जो ब्लाइंड वाली मोटर, ब्लाइंड का 50 केजी तक, तो 50 केजी से तक की भी एक बड़ी से बड़ी ब्लाइंड का वजन ज्यादा से ज्यादा 20 केजी होगा सर जी। तो ये 50 केजी तक के लिए सफिशियंट है। कहीं पे मतलब वो घूमने घुमाने वाली बात है सर, जो बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं वो बोलती साहब चौड़ाई ज्यादा हो गई तो मोटर चेंज कर दिया, लंबाई ज्यादा हो गई तो मोटर चेंज किया, ये सिर्फ और सिर्फ बनाने वाली बात है। भूषण मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप रिमोट दिखाएं, इसके जो रिमोट होते हैं, ये रिमोट देखिए साहब, ये जी ये रिमोट है, इसमें देखिए इसका स्क्रीन है। जब हम इसको जैसे एक एक ब्लाइंड एक रिमोट 15 मोटर चला, 15 तरह का ये चला सकती है, 15 मोटर एक साथ में, एक ये रिमोट। अच्छा, इसमें ये स्क्रीन लगी हुई है, हाँ इसमें ये स्क्रीन लगी हुई है, जौन सा नंबर का मोटर आपको चलाना है जी, वो नंबर आप इसके, वो मोटर देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर ये नंबर आ रहा है और आप ब्लाइंड जो है सेट हो जाती हैं कि आपकी पहले नंबर की ब्लाइंड है कि दूसरे नंबर की ब्लाइंड है कि तीसरे नंबर की ब्लाइंड है, तो उसी हिसाब से आप चेक करके और उसी हिसाब से ब्लाइंड को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप सारी ब्लाइंड एक साथ करना चाहें तो आप इसको जीरो पे ले आएंगे और वो सारी की सारी ब्लाइंड एक साथ ही ऑपरेट हो जाएगी, सारी की ब्लाइंड एक साथ हो जाएगी, एक साथ ऊपर जी। आप एक एक दो तीन चार पांच इस तरह से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप सारे के सारे एक साथ ऊपर कर सकते हैं अथवा नीचे कर सकते हैं जी। ये मोटर की भी, इस रिमोट की भी गारंटी 5 साल की है, तो इसमें भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो काफी अच्छी, अब आप बात कर रहे थे प्राइस की जी, तो प्राइस देखिए स्टार्टिंग होता है, कौन आदमी कैसा लेता है। अगर कोई आदमी चाहे कि बिना गारंटी वाला मोटर मुझे चाहिए जी, तो वो 10,000 से भी स्टार्ट है, तो 10,000 का मोटर मैं आपकी ब्लाइंड में लगा के दे दूंगा जी, और साल भर उसकी भी गारंटी मैं ले लूंगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं जी मुझे तो अच्छी क्वालिटी का मुझे चाहिए, जो गारंटी 5 साल की आप गारंटी दे रहे हैं जी, तो 12,000-15,000 जी। मतलब मैं अपने जो, क्योंकि आपको खाली मोटर की तो आवश्यकता है नहीं, नहीं आपको ब्लाइंड, तो ब्लाइंड में लग के चाहिए, तो ब्लाइंड में लगाने के लिए और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, उसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसके ऊपर एल्युमिनियम का ट्यूब चढ़ता है, वो है उस तरह से, तो वो कोई बड़ा मायने नहीं रखता। प्राइस ठीक है, बाकी जितनी कंपनी सेल कर रही है उसके हाफ रेट में ये ब्लाइंड का मोटर मैं देता हूँ, आप ये समझिए। अच्छा, जो बाकी कंपनी हो जाए उसके हाफ रेट में और 5 साल की गारंटी, 5 साल की गारंटी के साथ जी। हाँ, आपको रखना है कि आपके पास बिल होना चाहिए कि हाँ ये बिल मैंने आपके यहाँ से परचेज किया था जी, और ये 5 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो कोई भी चीज 5 साल चल गई तो मैं समझता हूँ 25 साल भी चलेगी। बिल्कुल, अगर खराब होना है तो 5 साल में ही खराब हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि यूसेज भी इस मोटर का बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा तो है नहीं, दिन 24 घंटे में एक बार नीचे आएगी अथवा एक बार ऊपर, या दो बार आदमी ऑपरेट करता है या एक दो बार। ये मोटर मैं 10,000 टाइम जब मैंने स्टार्ट किया इस कंपनी को, जब मैंने इंपोर्ट करना शुरू किया, तो एक मोटर को 10,000 टाइम 3 महीने के अंदर मैंने अपडेट किया फॉर माई सेटिस्फेक्शन, कि मैं पहले सेटिस्फाइड हो जाऊँ तभी तो कस्टमर को बोलूँ जी। तो 10,000 बार चलने के बाद भी ये मोटर रोके रही, और फिर मैंने वो अभी भी, मैं जहाँ भी लगी होगी मेरे ऑफिस में कहीं लगी हुई है, तो वो अभी भी चल रही है। हाँ, सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क है जी, इंडिया के किसी कोने में भी चाहिए, जो भी आदमी फोन करेगा उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को मैं आपका, आपको उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें या हमारे व्यूवर्स वहाँ पे कांटेक्ट करें, उनको सर्विस और मोटर दोनों प्रभावित होगी हिंदुस्तान के किसी कोने में। अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया ये मोटर को ब्रांडिंग, पहले तो जैसे भी सेल आउट हो रहा था, अभी मैंने ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे काम करने के लिए इसको, इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मैं दे रहा हूँ मोटर की, तो अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता हूँ ये मोटर की। ब्रांड की अगर हम बात करें तो कई सारे ब्रांड हैं हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी, ब्रांड कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है,
मैं SSG ब्रांड के मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मोटर ख़राब हो जाती, किसी कंडीशन में ख़राब होती, हाई वोल्टेज आ गया, लो वोल्टेज आ गया, चूहा तार काट दिया, किसी तरह की खराबी है मोटर चेंज, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, सर मैं चेक कराऊंगा, मैं कुछ कराऊंगा, मैं अप्रूवल लूंगा, मैं ये करूँ, नो। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी जानकारी भूषण मिश्रा जी आपने जी, दी जी। और इन फ्यूचर मेरी जो अगली वीडियो आएगी मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि वो मोटराइज ब्लाइंड्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे फिक्स करते हैं। डेफिनेटली आप दिखाएं जब, जब अगली वीडियो आप बने रहिएगा व्यूअर्स मेरे साथ, परफेक्ट रोड के साथ जुड़े रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से मोटर ब्लाइंड्स को इंस्टॉलेशन होता है। मेरी और भी वीडियो है कि सिंपल रोलर ब्लाइंड्स, जेब्रा ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स किस तरह से इंस्टॉल होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, काफ़ी बड़ी अच्छी जानकारी भूषण मिश्रा जी ने हमें दी मोटर के बारे में, मोटराइज ब्लाइंड्स के बारे में। और प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर्स, जो भी लोग रिच लाइफ और अच्छी क्वालिटी की मोटर यूज़ करके अच्छी तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं, या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो फ्लैट में रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं मोटराइज ब्लाइंड्स, और काफ़ी बेनिफिट भी है इसका, हर तरह से बेनिफिट भी है और यूसेज भी बहुत इजी है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थैंक यू वेरी मच भूषण मिश्रा जी आपने हमें दी। और हमारे व्यूअर्स, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो उन कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इनके स्टाफ है जो जो कोऑर्डिनेटर है उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कुछ और जानकारी आपको चाहिए ब्लाइंड्स के बारे में, जेब्रा ब्लाइंड्स या किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।